Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. ये आपके पास आप एसेट लाइब्रेरी में आएंगे, वहाँ पे आपके पास होगा ऑडियंस। ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्रिएट ऑडियंस, आपके पास बिल्कुल ब्लैंक होगा अगर नहीं बनी हुई, तो ब्लू बटन है जी क्रिएट ऑडियंस। तीन ऑप्शन आ गई हैं, एक तो सेव्ड ऑडियंस जो आपने ऑलरेडी सेव की हुई है आप उसको देखने की, उसके ऊपर दो मेन ऑप्शन आ रही हैं कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर। एक न्यू विंडो आपके सामने आ जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कस्टम ऑडियंस किसकी बनानी है, सोर्स क्या है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कस्टमर की लिस्ट है एक्सेल में, आप उसको अपलोड कर दो कि जी मेरे पास ये मेरी कस्टमर की लिस्ट है, इन लोगों ने मेरे पास ऑर्डर किए हैं, अब मुझे नहीं पता मेरे पास ये लोग मेरी वेबसाइट पे हैं या नहीं है, और सॉरी फेसबुक पे हैं या नहीं है, ठीक है, बट ये मेरे पास लिस्ट है, ये ऐड कर लो। ये लेट्स सपोज मेरे किसी दोस्त ने मुझे लिस्ट सेंड की थी, ये हमारे कस्टमर की डाटा है या ये ईमेल लिस्ट है या ये फ़ोन नंबर की लिस्ट है, इसको आप यूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन एक्टिविटीज़ के फेसबुक आपका कनेक्ट हो जाता है डिफरेंट आपके जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हो रही हैं शॉप्स हैं स्टोर्स हैं उनके साथ भी, ठीक है, आप इसको वहाँ से कर सकते हो। आपको मोबाइल ऐप आपने अगर बनाई हुई है या एप्लीकेशन फेसबुक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली और मोस्ट क्रिएटिव एक्टिविटी जो होती है वो वेबसाइट के ऊपर होती है या आपके फेसबुक पेज के ऊपर होती है, ठीक है। बाकी भी आ रहे हैं कि आपने वीडियो बनाई हुई है उसमें कितने लोगों ने देखा, जितने व्यूज हुए हैं, जितने लोग इंगेज हुए हैं, वहाँ से उनको उठा सकते हो, इंस्टा की प्रोफाइल से उठा सकते हो। लीड फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो डायरेक्टली कनेक्ट कर लो उसको यहाँ पे। अगर कोई आपने इवेंट बना के उसको बूस्ट किया और जितने रिस्पॉन्सेज आए हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं। बेसिकली हम वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं कि यार वो लोग जिन्होंने मेहनत की वो हमारी वेबसाइट तक पहुँचे, उन लोगों को हम रीमार्केटिंग करें, उन लोगों की हम ऑडियंस बनाएं। सबसे पहली चीज ये आ जाती है विजिटर्स, जिन लोगों ने लास्ट 30 दिनों में मेरा ऐड देखा मैंने उनकी एक ऑडियंस को बिल्ड किया। ऑडियंस का नाम आपने डाल दिया ऑल विजिटर्स, /30 days। अब जैसे ही इसमें 31वां दिन ऐड होगा, मतलब पहला दिन ऐड होगा, न्यू डे ऐड होगा, 31वां दिन निकलता जाएगा, ये लास्ट 30 days की विंडो ही रहेगी, 30 दिन पूरे ही होंगे। एक दिन ऐड होगा, एक दिन निकलेगा, एक दिन ऐड होगा, एक दिन निकलेगा, एक दिन ऐड होगा, एक दिन निकलेगा, ये ऐसा चलेगा, ठीक है। आप इसको भी मैक्सिमम लेके जा सकते हो 180 days। 180 days मीन्स 6 महीने तक, 6 महीने बनते हैं ना, 5 महीने बनते हैं, 6 महीने, ठीक है। उसके बाद आप लेके जा सकते हो पीपल विथ स्पेसिफिक पेज। यार लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये कार्टूनों वाला पेज जिसने देखा इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। जिन लोगों ने मेरा ये पेज देखा मेरी ऑडियंस लास्ट 30 days में, उसकी मैं ऑडियंस बनाऊँ, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे डिफरेंट पेजेस भी डाल सकते हो, सेल की कैटेगरी डाल सकते हो, जैसे जी यहाँ पे होम पे जाओ तो इस समर कलेक्शन चल रही है, आपको जी जिन लोगों ने समर कलेक्शन का पेज देखा मैं उसकी ऑडियंस बनाऊं, और मेरी जब न्यू ईयर अगले साल में समर कलेक्शन निकालूंगा तो मैं इन लोगों को अपना ऐड दिखाऊं, या जिस टाइम मैं विंटर कलेक्शन निकालूंगा तो मैं इन लोगों को ऐड दिखाऊं जिन लोगों ने मेरे समर का पेज मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके देखा, ठीक है। उसके बाद आप टाइम स्पेंड के हिसाब से कर सकते हो,
कि यार वो लोग जिन्होंने 25 टोटल, अगर मेरी वेबसाइट का टाइम ड्यूरेशन 3 मिनट है, जो कि एनालिटिक्स से पता चलता है, 3 मिनट का 25% जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट पे गुजारा, मेरा ऐड उन लोगों को नजर आया, ये मेरे आ गया टॉप टाइम स्पेंडर ऑन माई वेबसाइट। जिसने ज्यादा टाइम स्पेंड किया आपकी वेबसाइट के ऊपर, मानेंगे उसने ज्यादा प्रोडक्ट्स देखी, आपके ब्रांड के बारे में अच्छे तरीके से जानता है, या वो चीजें सर्च कर रहा है और उसको चीजें नहीं मिल रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। और ये अप टू आप 5% कर सकते हो। जैसे 3 मिनट का 5% बनेगा 3 15 सेकेंड 25 सेकेंड, कि जिन लोगों ने 25 सेकेंड आपकी वेबसाइट पे लगाए, 25 सेकेंड नहीं कम बनेगा, 15 सेकेंड बनेगा मेरे ख्याल से, शायद 9 सेकेंड, 3 15 सेकेंड ही बनेगा ना, 3 का 1% बनेगा 3 सेकेंड, और 3 मिनट है तो वो 9 सेकेंड, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 मिनट, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, खैर जितना भी होगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप इसकी। उसके बाद आ गया ये आपका पेज इवेंट के और पेज व्यू के ऊपर, ठीक है, कि जिन लोगों ने आपके पेजेस को व्यू किया, फिर आप इसको ऐड टू कार्ट पे लेके जा सकते हो, कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। आप स्पेसिफिक पेज में जाओ और यहाँ पे आप टैग लिख दो परचेज या थैंक यू, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आप लास्ट पेज पे जाते हो, हमने अपना टाइम आएगा पे क्लिक किया, हमने यहाँ से मीडियम साइज लिया है, मुझे तो स्मॉल आए नहीं, मुझे लार्ज आएगा, इसको आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, चेकआउट पेज पे क्लिक किया, चेकआउट पे गए, ठीक है। अब ये आ गया आपका चेकआउट का पेज। आप कहते हो कि वो लोग जो मेरे चेकआउट पेज के ऊपर गए हैं, ठीक है, आपने चेकआउट का टैग डाल दिया, कि जो लोग मेरे चेकआउट पेज पे गए हैं लास्ट 30 डेज या लास्ट 180 डेज या लास्ट 7 डेज में, यहाँ से उस ऑडियंस का नाम डालो और उसको आप क्रिएट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। फिर होती है सेकेंड ऑप्शन आपके फेसबुक पेज के ऊपर, कि वो लोग जो कि लास्ट 1 साल में आपके पेज के साथ एंगेज हुए, आप अपना ऐड उन लोगों को दिखाओ, ठीक है। और इसी तरह ये सारी चीज़ें, कि जिन लोगों ने आपके पोस्ट पे को सेव किया, आपको मैसेज किया, आपने जो कॉल टू एक्शन का बटन डाला था उसके ऊपर क्लिक किया, वो किसी तरह आपके पोस्ट या आपके ऐड जो आपने एडवर्टाइज किए थे उन ऐड के साथ इंगेज हुए, या जिन्होंने आपका पेज विजिट किया, यकीन माने बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है इस चीज़ का। आप खुद आइडिया लगाओ कि यार एक बंदा जिसने मेरा पेज ऑलरेडी देखा हुआ है, उसको पता है कि मैं क्या चीज़ बेच रहा हूँ, क्या सर्विस दे रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ, या मैं फोटोग्राफर हूँ, या मैं वीडियो एनिमेशन पे काम करता हूँ, उसको अपना ऐड दिखाऊं तो उसको ज़्यादा चांस है ऐड बिकने के, या बिल्कुल एक नए बंदे को ऐड दिखाऊं जिसको मेरे पेज के बारे में कुछ नहीं पता, मेरा ब्रांड उसने पहली दफ़ा देखा है, उसको कुछ नहीं पता कि मैं क्या चीज़ें बेचता हूँ, मेरा डिलीवरी टाइम क्या है, मेरी आफ्टर सेल सर्विस क्या है, मैं रिटर्न पॉलिसी देता हूँ, मैं एक्सचेंज पॉलिसी देता हूँ या नहीं देता। उस बंदे जिसने पहले से आपके पास ऑर्डर किया हुआ या आपकी वेबसाइट विजिट की हुई, उसको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो आपके काम के हवाले से, बट जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसने पहले आके सर्च करना है, देखना है, टेस्ट करना है, उसके बाद वो शायद आपका कस्टमर बने, तो ज़्यादा चांसेस उसके हैं जिसको ऑलरेडी पहले से कुछ पता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो रीमार्केटिंग के टूल्स हैं, इससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं।